सुन लो कथा ओम ज्ञानतिमिरामृतस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदावनतुलसीदेवी प्रियाय केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य का स्वयं पढ़े चित्रलीला वर विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णम विष्णुपाद अष्टोदर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजुत प्रणाम करता हूँ। सुनानी पड़ रहा है बिल्कुल सुना सब लीड देगी तथा हरि बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे हरे कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण। हम लोग श्रील प्रभुपाद के तृतीय नंबर उपदेश को सुन रहे थे। वो कहते हैं जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं कहते वो निर्बोध और आत्मघाती। निर्बोध मतलब होता है उनका कोई बोध नहीं कोई उनको ज्ञान नहीं है और आत्मघाती मतलब वो एक आत्महत्यारा है जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन बोले चार ही तरह का व्यक्ति तो मेरे भजन करते हैं और चार ही तरह का व्यक्ति मेरे भक्ति नहीं करते। कृष्ण अर्जुन ने पूछा प्रभु चार ही तरह का व्यक्ति कौन तरह भक्ति नहीं करता है। कृष्ण कहते हैं बोले न माम दुष्कृत न मूढ़ा प्रपद्ये त नराधमा मायायाम अपहृत ज्ञाना आसुरी भावमाश्रय कहते चार लोग मेरी भक्ति नहीं करते। बोले चार व्यक्ति कौन है बोले नौ माम दुष्कृत। दुष्कृत मतलब है जिनको पूर्व पूर्व जन्म का बहुत पाप है कहते मेरा भक्ति नहीं करते क्योंकि उसका बहुत सारे पाप इकट्ठा है, इसलिए कृष्ण कहते हैं बहु नाम जन्म नामांते ज्ञानवानम माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कहते हैं अर्जुन एक जन्म नहीं बहुनाम जन्म नामा जब उनको करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई पुण्य उदय होता है कोई सौभाग्य उदय होता है तभी वो व्यक्ति मेरी भक्ति करते हैं। ऐसे जो महात्मा है अर्जुन सुदुर्लभ है ऐसे महात्मा मिलना बड़ा कठिन है। बताओ मीरा कितने हुए
तुलसीदास कितने हुए, हनुमान कितने हुए, हैं सूरदास कितने हुए, हाथ में गिनने पर आता है इनका नाम, अंगुल में गिनोगे तो उनके नाम आता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन साधारण मेरी भक्ति नहीं करता है, हैं विशेष कहते भक्ति कौन कौन नहीं करता है, ऐसे दुष्ट भी कौन है। पहला नंबर है नराधमा, नरों में जो सबसे अधम है, नरों में जो सबसे जो गिरा हुआ व्यक्ति कहते वो मेरी भक्ति नहीं करेगा। न माम दुष्कृत न मूढ़ा, कहते जो मूर्ख है वो मेरी भक्ति नहीं करेगा। तीसरा नंबर है बोले माया या अपरहित ज्ञान, जिनको माया ने जिनकी ज्ञान को संपूर्ण नष्ट कर दिया वो मेरी भक्ति नहीं करेगा। और जो राक्षस प्रकृति का लोग, इसलिए कृष्ण गीता में कहते दो तरह के व्यक्ति, कहते एक है मत भक्त भवेत सुरभ असुर तद विपर्जय, कहते अर्जुन जो व्यक्ति मेरी भक्ति करता है, जो मेरी भजन करता है, समझ जाना वो देवता है, वो देवता है। और मेरी जो भक्ति नहीं करता है समझ जाना वो राक्षस है। जैसे रावण कुंभकर्ण और विभीषण, विभीषण को देवता मानी जाती है लेकिन रावण को राक्षस मानी जाती है, कुंभकर्ण को राक्षस मानी जाती है। क्यों? उसने भगवान की भक्ति नहीं की है, इसलिए इसका ये पहचान है। कहते चार तरह का व्यक्ति मेरे भजन करते हैं, बोले जना सुकृत न अर्जुन आरती अर्थार्थी ज्ञानी स, उसके बाद में आरती अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरत सब। कहते जना सुकृत न अर्जुन, जो मेरी भक्ति करते हैं वो बड़ी सुकृति वाला, बड़ी पुण्यात्मा है, वो बड़ी पुण्यात्मा है। कहते कौन कौन वो चार व्यक्ति पुण्यात्मा है, बोले आरती, आरती मतलब होता है कोई दुख में पड़ करके जब भगवान को स्मरण करे। जैसे श्री गजराज जब मगरमच्छ को साथ में हाथी की लड़ाई हुई, अभी धीरे 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 वो हाथी उसको तो ज्यादा शक्ति पानी को ऊपर में, लेकिन मगरमच्छ को ज्यादा शक्ति पानी को अंदर में है। अभी वो तो धीरे धीरे हाथी का चरण पकड़ करके खींचते 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 ले जा रहा है। बड़ी दिन तक लड़ाई हुई और उनको जो बीवी बचे थे ना कुछ समय तक देखा, लेकिन उसके बाद में धीरे 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 वो एक एक करके सरकने लग गए, एक एक करके सबके सब चले गए वहां से। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं भैया सुख में तो बहुत लोग मित्र बनते हैं, सुख में जो पैसा होगा ना बिना कारण कारण ना आपको रिश्तेदार निकाल लेगा, लेकिन जो पैसा खत्म हो जाएगा फिर धीरे धीरे रिश्तेदार भी बंद कर देंगे है। इसलिए संतों का कहना है बोले भैया आप कैसे हो, बोले जब तक जेब में पैसा, पैसा खत्म हो जाएगा ना फिर तुम कौन हो, आप कैसे नहीं, बोले तुम कौन हो। ये दुनिया बड़ा विचित्र दुनिया है, इसलिए अभी धीरे धीरे एक एक खत्म सबके सब भाग गए वहां से। अभी उसको तो पकड़ कर खींचते हुए ले जा रहा था, अभी यहां तक पानी आ गया, लेकिन जब मुंह डूब जाएगा खत्म, मुंह जाएगा डूब जाएगा, नाक डूब जाएगा खत्म। इतने में उसने एक कमल फूल को उठा करके उसने ठाकुर जी को अर्पण कर दिया। बोले भगवान को जीवन में दो बार ही भगवान को बड़ी जल्दी बची है, एक तो द्रौपदी के वस्त्र हरण में, दूसरे में गजराज बच्चा लगा। इसलिए उसने जो ना रा यणा नहीं बोला, केवल ना रा दो अक्षर उच्चारण किया, इतने में भगवान चक्र को भेज करके उन्होंने एकदम उसको खत्म कर दिया, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। यहाँ प्रश्न आती है भैया एक हाथी हो करके उसने भगवान को स्मरण कैसे कर लिया, हाथी कभी भगवान को स्मरण करता है, नहीं करता है, लेकिन उसने कैसे भगवान को स्मरण किया। कहती है पूर्व जन्म में ये इंद्रदुम्न राजा था, एक दिन वो भजन कर रहे थे, ठाकुर जी की सेवा पूजा कर रहे थे, इनके आश्रम में श्री अगस्त ऋषि आया, आए तो इन्होंने देखा कोई आए बैठ जाएंगे कोई बात नहीं, क्योंकि अभी तो मैं ठाकुर का सेवा पूजा कर रहा हूँ ना,
ये ठाकुर जी तो बड़े है ही नहीं, जे कि हमें ठाकुर को सेवा छोड़ करके हम इनको स्वागत करने में लग जाए, इनको स्वागत करने में लग जाएगी, तो ठाकुर जी से बड़े है ही नहीं, बैठ जाएंगे। इतने में अगस्त ऋषि को क्रोध आया, बोला हाँ तू तो भजन कर रहे हो लेकिन किसी साधु की अनुगत्य में तुमने ये भजन नहीं सीखा। हाँ, इसलिए कल तीन तरह के भक्त है, कहते एक श्रेष्ठ भक्त है, एक मध्यम भक्त है और एक कनिष्ठ भक्त है। ये तीन तरह के भक्त है, कहते ये सबसे छोटे भक्त कौन है? बोले जो भगवान को भक्ति तो को ज्यादा महत्व देता है लेकिन भक्तों का सेवा को इतने महत्व नहीं देता है। जितने महत्व ठाकुर को सेवा में भक्ति में देता है उतना महत्व साधु में नहीं देता है, कहते सबसे छोटे है। बोले मध्यम कौन है? बोले जितने महत्व भगवान की पूजा सेवा में देता है उससे ज्यादा महत्व भक्तों की सेवा में देता है, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं मैं कहाँ पर रहता हूँ, बोले भक्तों का हृदय में रहता हूँ। अगर हम ठाकुर का सेवा पूजा कर रहे हैं, अगर कोई गुरु जी कोई बड़े संत आ गए ना, बोले ठाकुर का सेवा पूजा को तुम वहीं पर रख लो, वहीं पर बंद कर दो। बंद कर क्या करो? पहले भक्तों का आदर करो, गुरु जी को आदर करो, सेवा करो, उसको बाद में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इसलिए कहते उत्तम भक्तों कौन है? श्रेष्ठ भक्तों। कहते सबके हृदय में जो भगवान को दर्शन करते हैं, जो ये शरीर को नहीं देखते हैं, सभी का हृदय में परमात्मा रूप में जो भगवान बैठे हैं, वो भगवान को जो दर्शन करते कभी सर्वश्रेष्ठ भक्त है। इसलिए श्री अगस्त जी ने कहा तुमने भजन तो कर रहे हो लगता है तुमने किसी साधु की अनुगत्य में तुमने भजन नहीं सीखा। हाथी जैसे आप देखना, हाथी जब रास्ता में चलता है ना एकदम डोंट केयर है, एकदम मस्त से चलता है। बोले तेरे व्यवहार हाथी जैसे है, बोले जाओ तुमको हाथी जन्म लेना पड़ेगा। अभी तो देखा गड़बड़ी हो गया, संतों के चरण में गिर पड़े। बोले मेरी मुक्ति कैसे होगी? बोले होगी जब किसी भक्तों का चरण को तो पकड़ो, किसी भक्तों का चरण, जब कोई भक्त भगवान आकर के तुम्हें उद्धार करेंगे, भगवान तुमको मुक्ति दिलाएंगे। इसलिए अभी उसने ही उसने अभी ये हाथी जन्म ग्रहण किया। कहते जो मगरमच्छ जिसने पकड़ा, बोले ये कौन था? बोले ये स्वर्ग के हूहू गंधर्व था, ये स्वर्ग का जोकर था। जोकर जानते जो सबको हंसाते हैं। एक दिन एक देवल नाम का ऋषि पानी में तर्पण कर रहे थे, ठाकुर जी को तर्पण, ठाकुर जी को पानी दे रहे थे। इतने में वो जोकर ना स्वर्ग का बोला आ जा, तुमका जोकिंग दिखाऊंगा, तुमका हंसी है, तुमका हंसी करवाऊंगा। वो आया, उसने देवता लोग आकाश में खड़े हुए, जैसे मगरमच्छ नीचे से धीरे धीरे आते हैं और पैर पकड़ लेते हैं, वो हूहू गंधर्व ने वो नीचे से धीरे 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 आकर के ना और ऋषि को चरणों को पकड़ लिया। वो ऋषि तो तर्पण कर रहे थे, हटा तो चौंक गए, क्या मगरमच्छ आ गया? फिर देखा वो मगरमच्छ नहीं, वो देवता हूहू गंधर्व। और इसको देख करके जितने स्वर्ग देवता सब हंस रहे थे, बोले दुष्ट और कोई मिले नहीं तेरे को, खिली उड़ाने के लिए साधु ही तेरे को मिल गए। बोले जाओ तुमको अभिशाप देता हूँ, जैसे मगरमच्छ जैसे तुम्हारी व्यवहार है तेरे को मगरमच्छ बनना पड़ेगा। अभी मगरमच्छ बना, बोले मेरी उद्धार कैसे होगी? बोले होएगी होएगी जब जैसे भक्तों का चरण को तो पकड़ लो, हाथी को पकड़ लो। अभी है अभी प्रश्न है, इन्होंने जो भगवान को एक फूल दिया, हाथी तो कभी भगवान को फूल दे ही नहीं सकता है, पर उसने फूल दिया कैसे? उसने फूल दिया कैसे? बोले कारण नहीं, उसने पूर्व जन्म में भजन जो किया था, श्री राजा इंद्रद्युम्न राजा पूर्व जन्म में उन्होंने जो भजन किया था ना, कहते अगर आप कुछ भजन करते हो ये भजन कभी तुम्हारी नष्ट नहीं, कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए मीरा कहती है ना, दिन दिन बढ़त सबायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसका मतलब है, हाँ देखो हमारे गुरु जी कहते थे, ध्यान देकर चलो,
अरे गुरु जी कहते किसको बोलना, थोड़ा माला जप कर। बोले नहीं, बच्चों के लिए थोड़ा पैसा कमा कर रखना, बच्चों के लिए थोड़ा ज्यादा पैसा कमा कर रखना। बड़े हमारे बड़े गुरु जी कहते थे भैया बच्चों के लिए ज्यादा पैसा मत रखा करो, मना करके। तो बोले क्यों? बोले बच्चा अगर हो ना हर होगा कमाएगा पैसा, पैसा उसको आगे पीछे घूमते रहेंगे, उसको आगे पीछे पैसा। लेकिन अगर बच्चा नालायक बन गया तो फिर क्या होगा? जितने तुम पैसा रख करके जा रहे हो सबको जुआ खेल करके दारू पी करके सबको बराबर कर दे। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे हाँ पैसा कमाना है ना, ऐसे पैसा कमाओ जो कि इसी जीवन में भी तुम्हारी काम में आए और अगले जीवन में भी तुम्हारी काम में आए। बोले वो क्या कौन सा पैसा? बोले पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, भगवान की माला चढ़ा। ये ऐसे के धन है ना, बोले चोर नहीं ले गए लुटे नहीं जावे, ये धन को कोई नहीं ले सकते, जो कमाया केवल वही इसका मालिक बनेगी और कोई नहीं बन सकता। इसी जीवन में तो इसका मालिक ही बनोगे, अगले जीवन में पूरा के पूरा इसका मालिक तुम बनोगे, पूरा का पूरा। इसलिए कहते हैं कि जो भक्ति है कि कभी नष्ट नहीं होता। नहीं तो हाथी कहाँ पशुबुल एक कमल फूल लेकर भगवान को देते, ये कहाँ संभव है? बल दिया कैसे? बोले पूर्व जन्म में उसने जो भजन किया है ये भजन कभी नष्ट नहीं होता। ये भजन हर जीवन में ये बढ़कर के बढ़कर के भजन तुम्हारी रहेगा। इसलिए बोले अर्थ अर्थार्थ काम करते तब जाएगी। बोलते सब तेजी से क्या ऊपर जो जा रहे हैं, वो क्या जा रहे हैं बच्चे लोग? उनको किस लिए आए? कंसर्न बात छोटे बड़े मत बाधा मत नहीं आते नहीं आते तब तक पैसा दे दो पुत्र के पैसा दे दो तो पैसा हाँ उनको जब जब तक कौन कहीं आ कथा कर हरे कृष्ण। इसलिए बोले आर्त है, अगर कोई दुख में पड़ा हुआ हो है, दुख में पड़ करके कभी कभी भगवान में भक्ति करते हैं। कहते भैया संसार में देखना बहुत सारे लोग दुखी दुखी, लेकिन वो तो कोई भगवान की शरण में आए नहीं रहे। वो किसी देवता को पीछे भागेगा, किसी देवी को पास में भागेगा, कभी उधर जाएगा कभी इधर जाएगा कभी इधर, भगवान की शरण में नहीं आता, भगवान की शरण में नहीं आएगा। फिर प्रश्न है फिर प्रभु की शरण में कौन आएगा? बोले वही आएगा। बोले जना सुकृत न अर्जुन, अगर उसको पूर्व पूर्व जन्म में भगवान के लिए अगर कुछ किया होगा होगा तो तब भी दुख में पड़ करके ठाकुर जी के शरण में आएगा, नहीं तो ठाकुर का शरण में नहीं आएगा, इधर उधर वो भटकते रहेगा, यहाँ वहाँ वहाँ भटकते रहेगा। इसलिए अर्थ फिर अर्थार्थी दूसरे नंबर है। अर्थार्थ मतलब पैसा के लोभ से। बोले कौन है? बोले श्री ध्रुव महाराज। श्री ध्रुव महाराज जब उन्होंने प्रभु की भक्ति करने के लिए गए थे, वो निष्काम होकर नहीं गए थे, जब माता जी गोद में बैठने जा रहे थे विमाता ताले दिया। बोले खबरदार पिताजी गोद में बैठ नहीं सकते हो, पिताजी गोद में बैठेंगे ना। बोले भगवान की आराधना कर, शरीर को छोड़ मेरी कोख से जन्म ले, फिर जाकर के पिताजी की गोद में बैठोगे, नहीं तो पिताजी गोद में नहीं बैठ सकते हो, वो क्षत्रिय बच्चा है वो कहाँ सहन कर सकता है। रो रो कर गया किसको पास में? माता जी के पास में रो रो कर गया। लेकिन माता जी कौन है? सुनीति माता। सुनीति सुनीति मतलब क्या? जब अच्छी नीति को जो शिक्षा देती है, अच्छी नीतियों को जो शिक्षा देती है। बोले क्या क्या बात? वो सारी बात को बता दी, लेकिन वो तो सुनीति है, वो दुर्नीति है ही नहीं, सुरुचित है ही नहीं, वो सुनीति है। वो अच्छी नीति शिक्षा देगी, वो बोल सकती थी तू बड़ा बेटा तेरा अधिकार पहले एक थप्पड़ को नहीं लगा दिया उसको, एक थप्पड़ को तूने नहीं लगा दिया, तू सुन करके आ गया कैसे? साधारण माँ होता तो यही बोलती, यही बोलती, लेकिन वो दुर्नीति नहीं वो सुनीति है। बोले हाँ तुम्हारी मैया जो बात बताई एक बात तो बहुत अच्छी बात बताई। क्या बात अच्छी बताई? उसने ये बताई भगवान को आराधना कर, ये बात बहुत अच्छी बताई। बोले बेटा जब तक भगवान की कोई आराधना नहीं करते है ना, वो कभी भी भगवत पद को कभी भी वो राज सिंहासन में नहीं बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता है।
वो तो प्रभु की कृपा से ही राज सिंहासन में कोई बैठ सकता है। इसलिए एक अच्छी बात तो उसने बता दी, भगवान की भजन कर, लेकिन एक गंदी बात भी बताई, बोले मेरे कोख से जन्म ले, बोले उसकी कोख से जन्म लेके तेरे क्या मिलेगा बताओ, ये पिता भी कब रहे, कब तक रहेगा, ये राज्य कब तक रहेगा, सब खत्म होने वाला। लेकिन अगर तू भगवान की गोद में एक बार बैठ गया ना, तभी तुम्हें उतरने का जरूरत नहीं, चिरकाल के लिए गोद में बैठ ही रहेगा। इसी जगत का पिता तुम्हें जितने प्यार देता है उससे करोड़ों करोड़ प्यार भगवान देने वाले, ठाकुर जी देने वाले। इसलिए बेटा जाओ पद्म पलाश लोचना श्रीहरि जी के भजन करो, उनकी कृपा से जो पद तुम्हें मिलेगा ना, चिरकाल के लिए ये पद मिलेगा। देखो यहाँ पर सिखा देते जो संग है ना, ये सबसे ज्यादा महत्व रखता है, ये संग की सबसे ज्यादा महत्व है। जैसे संग करोगे वैसे तुम्हारी रंग बदल जाएगी, वैसे तुम्हारी रंग, किसी जुआरी को साथ में बैठो जुआ करना शुरू कर दो, शराबी को साथ में बैठो, अरे एक बार पी लो, रोज थोड़ी पीते हो, एक बार तो पी लो बस, एक बार पी लिया, बोले नहीं नहीं हमारा बंसे में कोई नहीं, रोज थोड़ी पी रहे हो, थोड़ा तो पी लो, दूसरा बार भी पिला ली, उसके बाद भी निकाल पैसे निकाल, अपना पकड़ से पहले निकाल है। इसलिए ये जो संग है ना, इसलिए हमारे शास्त्र में ये संग को सबसे ज्यादा महत्व बताया। इसलिए बोले बिनो सत संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सोला भन सोई। इसलिए अपना सर्कल को पहले सही करो, फिर तो सब सही हो जाएगा, सबके सब सही हो जाओगे ना। अभी यहाँ भागवत कथा कैसे हो, कोई भक्तों का संग मिला, कंटी कैसे लगा, किसी भक्तों का संग मिला, किसी भक्तों का संग मिला, उल्टा पुल्टा संग मिलता तो कप्पे मारते, ताश खेलते, जुआ खेलते, इसकी बहू बेटी की दुनियादारी की बात करते। इसलिए सबसे ज्यादा महत्व है संगत है, कैसे सर्कल में तुम बैठते हो वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए अभी उन्होंने सुनीति की संगति सिखा देते हैं, अगर सुनीति की अगर संगत तुम करोगे, जिसका नीति अच्छी है, अगर ऐसे संगत में बैठोगे ना, सीधा प्रभु पास, सीधा प्रभु। अगर दुर्नीति की अगर सुरुचि, सुरुचि मतलब स्वरुचि, अपना जैसे चाहते, अरे ये सब तिलक कंठी पहनने पर क्या भगवान थोड़ी बड़ी ज्यादा है, चलो मस्ती मारो, खाओ पियो कूदो, मस्ती लो, फिर तो स्वरुचि मतलब अपना जैसे रुचि, हम जैसे चाहते, हमारा मन जैसे चाहता है, शास्त्र जैसे चाहता नहीं, भक्त जैसे, भगवान जैसे चाहते नहीं, तुम जैसे चाहते हो। सो रुचि मतलब अपना रुचि। अब देखना ये मन को भजन में लगाना बड़ा कठिन है, देखना ये मन गंदे चीज में तो अपने आप जाती है, देखना गंदे चीज में वो अपने आप जाएगा, लेकिन भक्ति करने के लिए मन को कितने समझाना पड़ता है, भैया थोड़ा माला कर लो, भगवान की सेवा पूजा कर लो, थोड़ा भक्ति कर लो। इसलिए हमारे जो गुरुजी कहते थे सवेरे उठो और अपना जूती लो और सब बार पीटो मन, ये सब बार मन को पीटो, क्योंकि मन गंदी चीज में तो अपने आप चलेगा, लेकिन इसको बोलो तो माला लेकर बैठने के लिए मन इतने बहाना बाज, अरे क्या होता, अभी ये कर लो, अभी ये कर लो, अभी ये बात भक्ति के लिए बोले बात में कर देंगे, और सारे दूसरे काम ना, जिसी के लिए तुम्हें मानव शरीर मिला 84 लाख जीवन में, जिसको कहते आए थे हरि भजन को ओटन लग पास, तो आया था भक्ति करने के लिए, उसको तो पीछे वो काम करते पीछे, अरे कर लेंगे, लेकिन दूसरा काम, अरे अरे पहले तो ये काम कर लो, पहले ये कर लो, हाँ समय मिलेगा तो माला जब कर, ये मन इतने दुष्ट है। इसलिए वो कहते थे सवेरे उठो 100 बार अपना मन को पिटो, अपना जूती से मन को पिटाई करो, मन को पिटाई करो, हैं? इसलिए वो हमारे परम गुरुदेव ये बात कहते थे। इसलिए अगर हम सुनीति के संग करेंगे तो बस भगवान के चरण में भक्ति और प्रेम मिलेगा, हैं? इसलिए ध्रुव महाराज जी ने जब उन्हें 6 महीना में भगवत प्राप्ति कर लिया, क्या बोले 6 महीना में जब प्राप्ति कर ली, अभी कहीं आता है ध्रुव जी को तो बड़ा अभिमान हो गया, बोले जनम जनम मोनी जाता ना कराए अंतराम कहिया बतनाई,
यदि जन्म जन्मांतर, एक जन्म नहीं जन्म जन्मांतर तक जतन करने पर भी वो अंतिम समय में भगवत स्मरण नहीं आता है, इतना ये मन दुष्ट है। लेकिन इसको 6 महीने में भगवान मिल गए। कई पुराण में कथा आती है, इनका तो बड़ा अभिमान हो गया, देखो 6 महीने में मैंने भगवत प्राप्त कर दी। अभी नारद जी बोले आओ मेरे साथ, तुमको एक चीज दिखाने के लिए ले जाए। अभी उनको समुद्र को बीच में लेकर बोले बताओ दी क्या है। बोले ये हड्डी का एक पहाड़ है। बोले जानते हो ये हड्डी का पहाड़ किसके? बोले नहीं। बोले तेरा है। किसका है? बोले तेरा है। तुमने पूर्व जन्म में इतने जन्म तक तुमने तपस्या की, तुम्हारी शरीर का हड्डी से ये पहाड़ बन गया, और इसी जीवन में थोड़ी सी तुमको बाकी रह गई थी, थोड़ी सी तुम्हारी 6 महीना की बाकी रह गई थी। ये मत समझो तुमने 6 महीना में भगवान को प्राप्त कर लिया। इसलिए यहाँ पर कहते जना सुकृत न अर्जुन। हे अर्जुन, तभी कोई व्यक्ति प्रभु की भक्ति करने के लिए जाएगी अगर उसको पूर्व जन्म का सुकृति हो, नहीं तो नहीं जाएगी। जगत में बहुत सारे लोग पैसा की जरूरत है, जैसे ध्रुव महाराज ने अर्थार्थी, अर्थार्थी मतलब पैसा के लोभ से भजन करने के लिए गए, पैसा के लोभ से। जगत में तो बहुत सारे लोग पैसा पैसा सब तो दुनिया पैसा को पीछे भाग रहे हैं, लेकिन क्या भगवान की भक्ति तरफ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसलिए कौन आएगा अगर पूर्व जन्म में उसकी बहुत सुकृति हो, पुण्य हो, तभी आएगा। अर्थार्थ जिज्ञासु, कहते जिज्ञासा मतलब होता है पूछना। कहते इसको किसने प्राप्त किया? बोले सौनकाद ऋषि बोले, श्री सुत गोस्वामी से जब मिले हैं, तब सुत गोस्वामी से जब मिले, वो लोग तब बड़े यज्ञ कर रहे थे हजार सालों से, लेकिन यज्ञ करते 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 उनका हृदय तक भी जल गया, लेकिन मन में कोई शांति नहीं आ रही थी। जब सुत गोस्वामी वहां पर आए, बड़े प्रसन्न हो गए, अहो भाग्य है आज जीवन में भक्तों का दर्शन, संतों का दर्शन मिला, अहो भाग्य। उनको आसन देकर के बैठाए और बैठा करके उन्होंने प्रश्न करते हैं, आप तो गुरु जी की कृपा से ये सारे वेद पुराण उपनिषद इतिहास जितने सारे शास्त्र का जो सार है, अब गुरु जी की कृपा से ही सब कुछ अनुभूत किया। यहाँ पर शिक्षा देते हैं, अगर कोई सोचे अरे क्या जरूरत भक्तों के पास में जाकर सुनने का, हम क्या गीता नहीं पढ़ सकते, हम क्या रामायण नहीं पढ़ सकते, हम क्या भागवत नहीं पढ़ सकते, ये साधुओं के पास में जाने का क्या जरूरत? बोले नहीं, जैसे समुद्र बंधन से विष भी निकला और समुद्र बंधन से अमृत दोनों चीज निकली, तथा अगर अकेले अकेले पढ़ने के लिए जाओगे ना, वो बीज निकलेगा, वो अमृत नहीं निकलेगा, वो बीज ही निकला वहां से। इसलिए शास्त्र में बताया जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने, एकांत आश्रय करो वैष्णव जन। जब तक हम भक्तों का संग के अनुगत्य से ये ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं समझ पाएंगे। क्यों? देखो एक उदाहरण देकर समझा दे, हमारे बड़े बड़े गुरु, जैसे एक शब्द है, जैसे मैंने कहा आप कहाँ गए, इसका मतलब मेरे को पता नहीं आप कहाँ गए। अगर मैं बोलूँ अब कहाँ गए थे, शब्द एक ही है लेकिन टोन बदल गई, इसका मतलब है आप जहाँ गए थे ना सही जगह पर नहीं गए। अगर मैं बोलूँगा अब कहाँ गए थे, मतलब तुम जहाँ गए थे ना हमें पता तुम जहाँ गए, शब्द एक ही है लेकिन इसका टोन जब बदल जाती है ना, वो पूरा का पूरा इसका अर्थ ही संपूर्ण अलग हो जाता है। कि तो उसी तरह शास्त्र में शब्द एक ही है, वो शब्द एक ही है, लेकिन गीता को देखो ज्ञानी कमेंट्री उसका, योगी का, भोगी का, सारा दुनिया का कितना हजार हजार उसके उसमें कमेंट्री है, कितने कितने उसमें टीका। बोले भैया एक ही तो गीता है, तो इतने लोग अलग 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 क्यों होना है, वो एक ही तो होनी चाहिए ना, फिर अलग अलग क्यों हो गया? कारण क्या? बोले कारण है जिसकी भावना रही जैसी और हरि मुरत देखितने तैसे। इसलिए भाव का रूप सारे होते हैं। इसलिए यहाँ पर श्री सौनकाद ऋषि लोग कहते हैं आप ये शास्त्र का जो सार है कैसे समझे हो, अपने आप नहीं, आप गुरु जी की कृपा से ही ये सारे शास्त्र का तात्पर्य गुरु जी की कृपा से ही आप समझे हो। फिर उन्होंने उनको 6 प्रश्न करते हैं, 6 उनको प्रश्न करते हैं,
छह प्रश्न किया है। पहला प्रश्न क्या है बोलो, कथा सुन रहे थे ना। पहला प्रश्न क्या था? आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? दूसरी प्रश्न क्या है बोलो, तुमने सारी दुनिया लिख कर देते हो। दूसरी प्रश्न है, कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल तरीका क्या है? तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न क्या है बोलो, तीसरा प्रश्न क्या है? तुम लोग को याद है। इसलिए तीसरा प्रश्न है, भगवान कृष्ण की कथा सुनाओ। लेकिन कृष्ण एक होते हुए भी उनका तीन धाम है। भगवान गोकुल में भी लीला की है, मथुरा में भी किया है और द्वारका में भी किया है। इसलिए भगवान हैं तीनों भगवान, पूर्ण पूर्ण पूर्णतर और पूर्णतम, ये तीनों धाम की कथा सुनाओ। चौथा प्रश्न क्या है? केवल कृष्ण कथा नहीं, उनकी अवतारों का भी कथा में सुनाओ। पंचमा प्रश्न है, भगवान की जो अद्भुत जो जस है जो महिमा सुनाओ। और छठवां प्रश्न है, जब भगवान ये दुनिया छोड़कर गए, ये धर्म कलयुग में कहां पर आश्रय कर दिया? छह प्रश्न उन्होंने, इसलिए यहां पर कहते जिज्ञासु हैं। लेकिन ये लोग सुत गोस्वामी को और कोई प्रश्न कर सकते थे, लेकिन उन्होंने केवल भगवत संबंधी प्रश्न किया। बोले क्यों? बोले इनकी पूर्व जन्म की संस्कार। इसलिए देखना, हम लोग जाते हैं साधु के पास में भी जाते हैं, हमारे घर में ये समस्या, नौकरी लग नहीं रहा है, काम धंधा, कोई भगवत संबंधी प्रश्न नहीं करते। बोले क्यों? बोले पूर्व जन्म का पुण्य, इसलिए इधर उधर की बात करते हैं। इसलिए बोले अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञानी कौन? बोले श्री चतुर्सन है, ये पहले चतुर्सन ब्रह्म ज्ञानी थे, लेकिन ये ब्रह्म ज्ञानी से फिर इन लोगों ने भगवान के भक्त बन गए। इसलिए यहाँ पर कह रहे चार व्यक्ति भगवान की भक्ति करेंगे करते हैं, और चार तरह का व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। कृष्ण गीता में ये चीज को समझा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करते, कहते वो कौन है? बोले निर्बोध है। वो निर्बोध, उनका बोध नहीं। और वो कौन है? बोले आत्मघाती। आत्मघाती मतलब होता है आत्महत्यारा। आत्महत्यारा जो सुसाइड करते हैं उनको कहते हैं आत्महत्या करता है, आत्महत्या करते हैं। लेकिन असली आत्महत्या कौन करता है? जो भगवान की भक्ति नहीं करता। बोले क्यों? आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा का धर्म परमात्मा को स्मरण करना, परमात्मा को ध्यान करना, भगवान की भक्ति करना, यही आत्मा की जीव का धर्म, और कोई धर्म नहीं। इसलिए बोले सबई पुंसा परो धर्म जत भक्ति रथक सजे। इसलिए प्राणी मात्र का सर्वश्रेष्ठ धर्म है भगवान को प्रेम करना, भगवान को प्रेम करना। इसलिए जो भक्ति नहीं करते हैं कहते तो आत्मघाती, और वो कौन है? कहते ये मूर्ख है। इनका जो चौथा नंबर प्रश्न है, बोले हरिनाम ग्रहण करना और भगवत साक्षात्कार दोनों एक ही बात है। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कहते जब हम किसी भक्तों से, गुरु से जब भगवान के नाम ग्रहण करते हैं, कहते ये नाम नहीं कि साक्षात ठाकुर, ये कौन है? भगवान है। इसलिए बोले ना हरि से बड़ा हरि का नाम है भगवान। कलयुग में कहते दो रूप में भगवान कलयुग में आए। इसलिए जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर के जा रहे थे, महाप्रभु सारे भक्तों को बैठा करके महाप्रभु समझा रहे हैं, कह देखो बच्चों, मैं कलयुग में दो रूप में इस जगत में अवतरण हूँ। दो रूप में कौन है? एक रूप तो ये अर्चा विग्रह, जो ठाकुर जी, जो ठाकुर को दर्शन कर रहे हो। कहते ये विग्रह नहीं, ये साक्षात भगवान है, ये साक्षात ये भगवान। इसलिए भगवान के आठ स्वरूप है, भगवान की आठ स्वरूप है। एक स्वरूप है जैसे ठाकुर जी बंसरी बजा रहे, जैसे पीतल में बनाए, दूसरे है कहीं मिट्टी में बनाते, तीसरे है कहीं रेती में बनाते, चौथे है कहीं जहाँ लकड़ी में बनाते हैं, कहीं भगवान को जैसे ठाकुर जी तस्वीर जैसे लगा हुआ तस्वीर, और भगवान की जैसे हृदय में मन, मन को हृदय में ठाकुर जी का स्मरण करते हैं,
और एक है जो अक्षर रूप में, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। बोलो जोर से, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए कहते ये भगवान की मूर्ति है, कहते जो हरिनाम जो अक्षर रूप में, जैसे हरे कृष्ण यहाँ कह रहे हैं, जब हम हरिनाम ग्रहण करते हैं वो क्या हो रहा है, समझो भगवान से हमारे मिलन हो, ठाकुर जी को साथ में हमारी मिलन हो। देखो एक छोटी सी कथा सुनो, बोले एक समय श्री नारद जी श्री ब्रह्मा जी को पास हो गए, ब्रह्मा को नहीं, नारद जी के पिताजी। बोले पिताजी एक बात बताओ। बोले क्या बात है? बोले मैंने सुना हरि से बड़ा हरि का नाम है। बोले हाँ, और सब जगह में कहते भगवान उनका नाम में कोई फर्क नहीं, एक ही है, भगवान उनका नाम में कोई फर्क नहीं, जिसको बताया नाम चिंता मणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नामना। भगवान का जो नाम है ये चिंतामणि, चिंतामणि मतलब जो मांगो भगवान से वही मिलेगा है, ये साक्षात प्रेम स्वरूप भक्ति स्वरूप भगवान अभिन्न स्वरूप आनंद स्वरूप है। इसलिए हमने सुना भगवान से बढ़कर के उनका नाम और एक ही है। बोले हाँ, बोले मेरे को कोई प्रमाण दे कर दिखाओ, मेरे को कोई प्रमाण दो। तो ब्रह्मा जी बोले देखो हरि अनंत हरि कथा, भगवान की नाम को अभी तो कोई पार नहीं पाया, अभी ये चार मुंह से कितने ठाकुर के नाम में बताऊं, मैं तो अनादिकाल से भगवान की नाम ले रहा हूं, अभी तक भी नाम का कोई अंत नहीं पाया। बोले इसको कौन बता सकते हैं? बोले श्री भोले बाबा को पास में जाओ, शंकर जी ये बात बताए, क्योंकि उनको पांच मुंह है और पंचम मुख है राम नाम कान के पुरारे। शंकर जी पंचम मुंह में भगवान के नाम जब, तो शंकर जी को पास में, शंकर जी को पास में गए। शंकर जी बोले देखो अनादि काल से अनंत नाम को जप कर रहा हूँ, अभी तक भी कोई अंत नहीं था। बोले फिर किसको पास में जाऊं? बोले मेरे गुरु जी को पास में चले जाऊं। कहते शंकर जी का गुरु कौन है? बोले अनंत देव है। श्री अनंत देव को पास में गए, जब उन्होंने प्रश्न की, बोले देखो हरि अनंत हरि कथा अनंत, मैं अनंत काल से अनंत भगवान के नाम को, अनंत काल से उनके नाम की महिमा उनकी गुण की महिमा तो बता रहा हूँ, लेकिन अभी तक भी उसका कोई अंत ही नहीं पा रहा, मैं कितना बताऊं? बोले भैया फिर किसको पास में जाऊं? बोले जाओ एक ही व्यक्ति को पास में। बोले कौन? बोले से धर्मराज। धर्मराज मतलब यव महाराज, जो धर्म को सही सही विचार करके देते हैं, हैं? इसलिए उनका नाम धर्मराज। जीव कैसे कितना कैसे किया, क्या कर्म किया नहीं किया, उसको सही सही विचार करके वो देते हैं, उनको पास में जाओ। जब उनके पास में गए, बोले बताओ मेरे को स्पष्ट प्रमाण दो, हरि से बड़ा हरि का नाम है और भगवान उनका नाम में कोई फर्क नहीं, हमको साक्षात रूप में कोई प्रमाण दे करके दिखा। बोले देखो एक काम करो, मेरी यहाँ चार दिशा है, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, तुम दक्षिण दिशा में चले जाओ। दक्षिण दिशा में कौन है? जमपुरी। जमपुरी जहाँ पर 84 नरक में सब पापियों को जो दंड दे रहे थे, अभी उन्होंने वहां पर जब गए, उन्होंने देखा 84 नरक बना हुआ और जो जैसे जैसे पाप कर्म किया उसको वैसे ही दंड मिल रहा है, हाँ? जो इसे हाथ में हेर फेर करता था उसका हाथ को काट रहे हैं, जो आंखों से गंदी गंदी मूवी देखते थे आंखों निकाल रहा है, जो शराब पी रहे थे उनको एकदम गर्म लोहे करके मुंह में डाल रहे थे, जो गंदे गंदे जैसे जैसे कर्म कर रहे थे ना उनको ऐसे ही दंड दिया जा रहा है, चित चीख रहे उधार करो और नहीं करेंगे, छोड़ दो छोड़ दो। इतने में श्री नारद जब ये सब चीज को देखे है ना, वो देख करके नारद तो डर गए और जोर से उन्होंने चिल्ला उठा, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जोर से जयकार बोलो, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। उन्होंने जब इस चीज देखा है ना, हैं, उन्होंने जोर से भगवान के नाम लिया और वो लोग तो दुखी दुखी पा रहे थे,
वो ऊपर देख रहे थे कोई हो तो मेरे पाई दे दो, बचा दो, और नहीं करेंगे हमें छोड़ो 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 बोल रहे थे। इतने में जब उन्होंने ऊपर में देखा, इतने में सिर्फ नारद जी को दर्शन किया। फिर एक तो संत दर्शन, दूसरे नारद जी जो भगवान के नाम को ग्रहण किया, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब उन्होंने भगवान के नाम लिया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के नाम लेते ही वो जितने पापी सब नरक भोग रहे थे ना, सीधा मुक्ति, सब मुक्ति हो गए, एक पापी वहां बचा ही नहीं। जब बचा ही नहीं, इतने में जब महाराज बोले समझ गया हरि से बड़ा हरि का नाम और भगवान, उनका नाम में कोई फर्क नहीं। देखा तुमने एक बार प्रभु का नाम लिया तो, और ये जितने पापी सब दुख कष्ट पा रहे थे सबके सब उधार हो, समझ गया कि नहीं? बोला समझ गया समझ गया। ये हमें प्रैक्टिकल रूप में प्रमाण मिला। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जब हमें भगवान के नाम मिलता है, समझो क्या साक्षात ठाकुर जी मिले, ठाकुर जी हमें मिले हैं, इसलिए क्या करना, हरि नाम को ठीक से करना, ठाकुर जी के नाम को ठीक से जप करना, ठीक है ना। इसलिए महाप्रभु कहते हैं हरि नाम को अगर ठीक ठीक से जप करोगे ना, इससे तुम सब बन जाए भगवान का नाम। चिंता मन जो चिंता करोगे ठाकुर जी वही तुमको प्रदान करेंगे। इसलिए कल के माता जी प्रश्न कर रही थी, वो प्रश्न कर रही थी बोले अंबानी टाटा बिरला रिलायंस कंपनी का, इन लोगों ने इतने किया पुण्य किया है, इतना पैसा उनके पास है। वो बोल रही थी एक रिक्शा वाला को देखो, वो दिन भर काम करते करते शाम तक अपना परिवार को पालन नहीं कर पाता है, वो रोटी लास्ट अपना रोटी भी नहीं मिलती है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, क्या जो उनको इतना पैसा है, शास्त्र में बताया पूर्व जन्म में जिन लोगों ने भगवान का नाम तक लिया है, भगवान का नाम, लेकिन उन्होंने भक्ति नहीं मांग करके उन्होंने पैसा मांगा भगवान से, ठाकुर को पूजा की लेकिन भक्ति के लिए नहीं, पैसा के लिए उन्होंने किया है। भगवान के नाम और जो भक्ति है ना, ये तो व्यर्थ नहीं जाता है, वो कुछ देगा, वो कुछ छोड़ेगा नहीं, वो कुछ ना कुछ तुम्हें दे करके छोड़ेगा, जो मांगोगे वही देगा। अगर भक्ति नहीं मांग करके संसार की वस्तु तो मांगोगे, भगवान का नाम हरि से बड़ा हरि का नाम है, चिंता में कहते अगले जीवन में इन लोगों ने, संतों का कहना इन लोगों ने भगवान का नाम तो किया, ठाकुर को पूजा तो किया, लेकिन उन्होंने सकाम युक्त तो होकर किया, कामना वासना को लेकर किया, इसलिए इसी जीवन में इतने पैसा उन्होंने मिला है, इतने पैसा मिला है। पहले जन्म में इन्होंने कितना बड़े पुण्य कर्म करके, पुण्य कर्म मतलब है भगवान के नाम और भगवान की सेवा पूजा की, लेकिन संसार की कामना वासना से। इसलिए भगवान का नाम कोई व्यर्थ नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ में दे करके छोड़ेगा, ठीक है, ठीक है ना, क्या करना। लेकिन हमें तो दुनिया की चीज मांगनी नहीं, हमें तो भगवान की भक्ति और प्रेम मांगना है, भगवान की भक्ति और हमें प्रेम ही ठाकुर जी से मांगना है, ठीक है ना। इसलिए सबके सब भला जप करना, ठीक है। बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण बोले बोले कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम Hare 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 Rama Hare Rama
जय श्री गुरु वराह गंधर्व का गंधर्व राजा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी।